दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में आज घर के अंदर एल्विस यादव काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। दरअसल दोस्तों बिग बॉस ने घर की लाइट्स को ऑफ कर दिया था और इसके बाद में एल्विस यादव ने अपने दोस्तों को और फुकरा इंसान को बोला कि भाई मैं तो थक गया, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। और इस दौरान वो सीधे बेडरूम एरिया में आ गए और अपना शर्ट और अपना माइक उतार कर चुपचाप अपने बेड पर लेट गए। इस दौरान उन्होंने अपना ब्लैंकेट ओढ़ा और चुपचाप लेटे रहे। मुश्किल से यहाँ पर एल्विस यादव 30 से 40 सेकंड लेटे होंगे, लेकिन अचानक से न जाने उनको क्या हुआ, उन्होंने फिर से अपना शर्ट पहना, माइक लगाया और बाहर की ओर आ गए। और बाहर आकर बोलने लगे कि भाई मेरे को तो नींद नहीं आ रही, मैं तो थोड़ी देर घूमूंगा फिरूंगा। यहाँ पर दोस्तों काफी देर तक अपने दोस्तों के साथ में एल्विस यादव मस्ती करने लगे और इसके थोड़ी ही देर बाद एल्विस ने फिर से कहा कि भाई मैं फिर से जा रहा हूँ। और इस बार जब एल्विस यादव सोने के लिए आए तो फिर से यहाँ पर एल्विस को बिल्कुल भी नींद नहीं आई और एल्विस ने दोबारा अपना माइक पहना, अपना शर्ट पहना और सीधे बाहर आ गए। और इस दौरान वो अपने दोस्तों को ये कहते हुए नजर आए कि यार आज तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही मेरे को इस घर के अंदर, ये घर तो साला खाने को दौड़ता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एल्विस यादव जो है उनको जल्दी सोने की आदत नहीं है, वो देर रात तक, आपने देखा होगा उनके व्लॉग्स में कि देर रात तक क्रिकेट खेलते रहते हैं और इसी वजह से उनकी वही आदत पड़ी हुई है और यही वजह है कि आज वो घर के अंदर चैन से सो नहीं पा रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट में बताएं। यदि आप भी एल्विस के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।